कोहरे के साथ शीतलहर ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। फतेहाबाद में करीब 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चल रही सर्द हवाओं से इलाके के लोगों की हालत खराब हो गई है। आम तौर पर लोहड़ी के बाद जहां ठंड वापसी पर होती है, मगर इस बार ठंड और कोहरे ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लोहड़ी और मकर संक्रांति के बाद एक बार फिर ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। ठंड के बाद आम जनजीवन भी बुरी तरह से प्रभावित होकर रह गया है। जीरो विजिबिलिटी के कारण वाहनों की रफ्तार थमकर रह गई। सबसे अधिक परेशान सुबह सवेरे स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चों को हुई। 15 दिनों की छुट्टियों के बाद जैसे स्कूल लगे, ठंड और कोहरे ने फिर से दस्तक दे दी। ठंड से जहां गेहूं उत्पाद किसान खुश नजर आ रहा है, वहीं सब्जी उत्पादक किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती है। जानकारों का मानना है कि अगर मौसम ऐसा ही रहा और सब्जी की फसल प्रभावित हुई तो आने वाले दिनों में महंगाई का असर देखने को मिल सकता है। वहीं बदलते मौसम को देखते हुए चिकित्सकों ने सलाह दी है कि सुबह और शाम के वक्त कम से कम घरों से बाहर निकलें। खासकर छोटे बच्चे और बुजुर्ग स्वयं अलाव के माध्यम से स्वयं को गर्म रखने का प्रयास करें। धुंध का मौसम है, धुंध के मौसम में काफी नुकसान हो रहा है, जहाँ साधनों का आना जाना जाना रहता है, कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, और जो मंडी में काम करते हैं लेबर का उसको काम करने में बड़ी दिक्कत होती है। धुंध के कारण जहाँ नुकसान हो रहा है वहाँ कई फसलों को फायदे भी हो रहे हैं, कई नुकसान भी हो रहा है। सो दोनों है, लाभ भी है और हानि भी है। बहुत ज़्यादा कोहरा छाया हुआ है जी, गाड़ी चलानी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, पैदल जाना भी मुश्किल हो रहा है, एक दूसरे को आदमी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। धुंध इतनी छाई हुई है कि पास से निकलता हुआ वाहन भी कई बार दिखाई नहीं पड़ता, एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांस बने हुए हैं। करीब करीब अभी मैंने 5-7 किलोमीटर की गाड़ी चलाई थी, बिल्कुल 10-15 की स्पीड पे मैं वापस लेके आया हूँ अपनी शॉप पे। इतना बुरा हाल है कि गाड़ी तो रफ्तार तो बिल्कुल ही धीमी हुई पड़ी है।